पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पंचतत्व में विलीन होकर आज हमेशा हमेशा के लिए आंखों से दूर हो गए। रह गए तो बस उनकी यादें और वो छाप जो अमिट है। भारत रत्न को आज नम आंखों से सभी ने विदाई दी। उनकी अंतिम यात्रा में राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ आम लोगों का सैलाब उमड़ा। हर कोई बस उनकी एक झलक पाना चाहता था। देश के साथ साथ विदेशों के भी कई नेता उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए स्मृति स्थल पहुंचे थे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा की जिद कर गीत नया गाने वाले भारत रत्न और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज आज खामोश हो गई। उनकी दत्तक पुत्री नमिता भट्टाचार्य ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम सत्ता पक्ष के नेता तो मौजूद थे ही, वहीं पूरा विपक्ष अटल जी को आखिरी विदाई देने पहुंचा था। विपक्ष के साथ साथ भूटान नरेश जिग्मे खेसर, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के विदेश मंत्रियों समेत कई विदेशी नेताओं ने वाजपेयी को अंतिम श्रद्धांजलि दी। अटल जी की अंतिम यात्रा में खास और आम हर किसी का जमावड़ा लगा था। कल निधन की खबर मिलने के बाद से ही लोग उनकी झलक पाना चाहते थे। जब आज सुबह उनका पार्थिव शरीर 6 कृष्णा मेनन मार्ग स्थित आवास से दीनदयाल मार्ग पर बीजेपी कार्यालय लाया जा रहा था, उस समय भी लोगों की भीड़ लग गई। उसके बाद बीजेपी कार्यालय में लोग दरवाजे से कूदकर उन्हें देखने के लिए बेकाबू हो गए, लेकिन बीजेपी मुख्यालय में कुछ ही लोगों को उनके अंतिम दर्शन का मौका मिला। मगर जब अटल जी अपनी अंतिम यात्रा पर निकले तो जन सैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा। स्मृति स्थल पर लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, वहां सिर्फ नेताओं के लिए जगह दी गई थी। स्मृति स्थल पर अटल को तीनों सेना प्रमुखों ने सलामी दी। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। 93 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले अटल आज भले ही रुखसत हो गए हों, लेकिन उनकी छवि, उनकी कविता, उनके गीत हमेशा अटल रहेंगे। सदियों तक लोग अटल वाणी को भुला नहीं पाएंगे। डीवी लाइव टीम की ओर से अटल जी को हार्दिक श्रद्धांजलि।